आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से एक अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो आपको फिर से इन्हें अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, जो प्रॉब्लम है, आपके नए सिलेबस में ये सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको इनकी पूरी कैटेगरी बताने जा रहा हूँ। तो क्या है ये जो जनरल कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है? इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, ये कैटेगरी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स, ये भी कैटेगरी है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये कैटेगरी है। तीन कैटेगरी के आपके पास जनरली क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपको पहले इन्हें समझना होगा कि ये कौन से फॉर्मूले, साइन कॉस, साइन साइन और कॉस कॉस मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो आपको पता है कि आपके पास अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल में भी आपने पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होती है तो आप इजीली उनको इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन है, इसी वजह से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट होगा तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता, डिवीजन होगी तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा मुझे, प्रोडक्ट भी होगा तो सम एंड डिफरेंस में लाना होगा, डिवीजन होगी तो सम एंड डिफरेंस में लानी होगी, और ऐसे कुछ कैलकुलेशन, ऐसे कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे जिसकी वजह से मैं इंटीग्रल को सेपरेट कर सकता हूँ। तो पहले आपको पता यहाँ पे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट किन का है, साइन एंड कॉस के है। तो साइन एंड कॉस के अगर आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम एंड डिफरेंस। तो आपको उन फॉर्मुलेशन का नोन होना भी जरूरी है। तो वो कौन से फॉर्मूले है, टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, टू कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, टू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, और टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, ऐसे आपके पास फॉर्मूला है। टू साइन कॉस का फॉर्मूला क्या है, साइन प्लस साइन, इन दोनों की आपको क्या करनी है, एडिशन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो टू साइन कॉस यानी कि साइन प्लस साइन, टू कॉस साइन यानी कि साइन माइनस साइन। अब यहां पे मैं माइनस डाल देता हूं, माइनस टू साइन साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस माइनस कॉस, और टू कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस प्लस कॉस। आपको सिंपल हिंट और सिंपल ट्रिक्स भी बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मुलेशन कैसे रिमेंबर रखने हैं। क्या है कि टू साइन कॉस यानी कि साइन प्लस साइन, टू कॉस साइन यानी कि साइन माइनस साइन, आगे कौन सा है, साइन लिखा है या कॉस लिखा है, उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो माइनस टू साइन साइन होगा तो आपको कॉस माइनस कॉस के फॉर्मुलेशन होंगे, और टू कॉस कॉस ऐसा होगा तो कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला होगा। आपकी जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है वो हमेशा दो एंगल की एडिशन होगी, और सेकेंड ब्रैकेट जो होगी वो हमेशा दो एंगल की सब्ट्रैक्शन होगी। तो आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पहली ब्रैकेट में दोनों की एडिशन होगी और दूसरे ब्रैकेट में दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला कन्वर्टेड टू सम एंड डिफरेंस। अब इंटीग्रल में हमारा प्रॉब्लम भी वही है कि हम प्रोडक्ट का इंटीग्रल नहीं ले सकते, तो हम प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। तो आपको इसी फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस कैटेगरी को देखते हैं तो आपका प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व होने वाला है। तो आप यहाँ पे आप देखो, ये जो फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर ले तो आप इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे अब मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूं। अब नए सिलेबस में दोनों ही है तो मैंने इसे लिखा है, मैं आपको आगे भी प्रॉब्लम कन्वर्ट करके देता हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, बनेगा इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मुलेशन है उसके क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा तो कोई बात होगी नहीं। तो फिर पहले एडजस्टमेंट में मैं 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x dx, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड का 2 बाहर आया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। चलो मैंने जो प्रॉब्लम था उसको फॉर्मूले में लाया।
अब क्या हुआ, तो प्रोडक्ट है तो मैं इंटीग्रल नहीं ले सकता, तो मुझे इसको प्रोडक्ट और समान डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको समान डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो ऑब्जर्व, टू साइन इसको ए बोला, कॉस बी बोला। अब फॉर्मूला कौन सा आया, टू साइन कॉस का फॉर्मूला आपके पास कौन सा आया, टू साइन कॉस। टू साइन कॉस यानी कि क्या, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला आया, साइन प्लस साइन का। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वन बाई टू अब टू साइन कॉस यानी कि साइन प्लस साइन। तो पहला आया साइन प्लस दूसरा आया साइन। अब आपको याद है कि फर्स्ट ब्रैकेट में एडिशन होगी और सेकेंड ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4x प्लस 3x यानी कि यहाँ पे आया 7x, 4x माइनस 3x यानी कि यहाँ पे आया x। इतनी आसान सी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होगा फिर, हाँ ये 1 बाय 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट डालता हूं, सेपरेट इंटीग्रल लूंगा, साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x इंटू dx। अब आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन का यूज करना है, 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ साइन आपको पता है क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल यानी कि माइनस कॉस ऑफ 7x। अब ये समथिंग होगा, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे क्या आएगा उसका 7 प्लस साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो लेने की जरूरत नहीं होगी। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड किया, माइनस को ज्यादा से ज्यादा कॉमन लिया, तो माइनस 1 बाय 2 कॉस ऑफ 7x अपॉन 7 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आया। तो इस आसान से ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के इनफाइनाइट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस पर्पज ओनली एक और प्रॉब्लम देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन आसान से है, आपको ये कैटेगरी भी अच्छे से याद रखनी होगी। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, एक और आसान सी ट्रिक्स लेते हैं। एक मैं आपको प्रॉब्लम के लिए देता हूं, कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 8x dx, आपको ये भी सॉल्व करना है, और इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 8x इंटू साइन ऑफ 3x dx। आप प्रैक्टिस के लिए ये दो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के आप जो भी प्रॉब्लम लेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था, तो इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो इन प्रॉब्लम को भी आप फॉर प्रैक्टिस पर्पज सॉल्व कीजिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत अच्छा होगा। तो अब थर्ड नंबर के प्रॉब्लम को देखो, थर्ड नंबर का देखो या सिक्स नंबर का देखो, अच्छा करता हूं मैं सिक्स नंबर का आपको सॉल्व करके देता हूं, तो आपको थर्ड नंबर का वैसे भी आ जाएगा। क्या है सिक्स नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाय sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x इंटू dx। तो क्या होगा, चलो तो tan ऑफ x क्या बनेगा, इंटीग्रेशन tan को पहले कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय sec ऑफ x यानी कि 1 अपॉन cos x प्लस साइन ऑफ x यानी कि सॉरी tan ऑफ x यानी कि साइन ऑफ x अपॉन cos x dx। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन होगी, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x अपॉन cos x, cos x cos x क्या होगा कैंसल, तो आपके पास क्या रहा साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करेंगे, अब मैं इसको, मेरे पास तो कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, डिनोमिनेटर में एडिशन है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो हमें क्या करना होगा कि न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैंसिल हो जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन करूंगा। तो फिर क्या होगा, रैशनलाइजेशन करते वक्त साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसे ही होगा, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1 यानी कि साइन एक्स ही होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। तो फिर क्या होगा, साइन एक्स सेपरेट, इस इंटीग्रल को सेपरेट करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स।
तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा जाएगा, साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन, वन अपॉन कॉस यानी कि सेक, पहले भी कई बार ये ऐसा हुआ है, sec x into tan x ऐसे लिखूंगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टेन स्क्वायर एक्स dx होगा। अब इसका इंटीग्रल मुझे पता है लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं है, हमारे पास फॉर्मुलेशन नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना होगा विद द नॉन फॉर्मूलाज इन इंटीग्रल। सो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स सेपरेट भी लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या है, sec x माइनस sec square x का इंटीग्रल क्या है tan x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, वन का इंटीग्रल क्या है x प्लस c, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इसी प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आया है। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे आप, वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो पहले भी इसमें आ चुका है और इस प्रॉब्लम को भी आप रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे, वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह से कैलकुलेशन आने वाले है। तो मैं अब लास्ट का प्रॉब्लम जो सेवेंथ नंबर का प्रॉब्लम है सिर्फ उसको सॉल्व करके दूंगा, बाकी जो प्रॉब्लम बचे हैं आप उन्हें होमवर्क में करेंगे। अगर आपको किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट करें। क्या है सेवेंथ, आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मुलेशन क्या है, पहले तो cos 2x जो है इसका फॉर्मूला हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखता हूँ, अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x dx। क्या किया मैंने, cos 2x का जो फॉर्मूला था उसे पुट किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2 cos square x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x into dx। तो यहाँ पे क्या किया, cos x का कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस 2 cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। तो क्या करेंगे 1, अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये सॉल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही रही है और कैंसिल होने वाली टर्म्स जो है तो वैसे ऊपर नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने पुट किया था इसको चेंज करना होगा। क्या करना होगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स का एक और फॉर्मूला है, क्या है, cos square of x minus sin square of x। मैंने आपको पहले भी बताया है आपको फॉर्मुलेशन कैसे यूज करना होगा, ऐसे फॉर्मुलेशन को यूज करना होगा जिस वजह से प्रॉब्लम कन्वर्ट होके आपके आसान बेसिक फॉर्मूलाज में आ जाए। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का पुट करेंगे, cos square of x minus sin square of x divided by 1 minus cos x into dx। तो फिर क्या होगा, cos of x minus cos square of x minus minus plus sin square of x upon 1 minus cos x into dx। चलो cos x का कॉमन लिया, cos x तो क्या बना 1 minus cos x। चलो अब नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है वही न्यूमरेटर में आ रही है तो हमारी रिप्लेसमेंट जो है वो सही है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सेपरेट डिवाइड करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ cos ऑफ x प्लस 1 प्लस cos ऑफ x इंटू डी एक्स। तो cos x क्या बना, 2 cos ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स, सो 2 कॉन्स्टेंट ही बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx।
सो 2 cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या है, sin x plus 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x plus cost of integration को ऐड करना होगा। जब हम इंटीग्रल लेते हैं तब इंटीग्रल का साइन डिसअपीयर होता है, और जब इंटीग्रल हो जाता है तब हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड करते हैं। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आपको समझने होंगे, और इस टाइप के आप किसी भी एमसीक्यू बुक से प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा ले और उन्हें सॉल्व करें, ताकि ये कैटेगरी भी आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।